मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की ये हमारी चौथी वीडियो है, जबकि चैम्बरलिन की ये दूसरी वीडियो है। तो चैम्बरलिन की अप्रोच से शॉर्ट रन में किस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है उसके बारे में बात करेंगे। डायग्रामेटिकली मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम होता है। एक बार फिर से बता दूँ कि दो हीरोइक अजम्पशंस हैं हमारी, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। वो है आइडेंटिकल डिमांड एंड कॉस्ट कर्व, डिमांड और कॉस्ट कर्व सेम रहेंगे। और दूसरी सिमेट्री अजम्पशन, सिमेट्री अजम्पशन में का मतलब है कि फर्म जो है मार्केट इतना बड़ा है कि एक फर्म कुछ भी करे तो उसका किसी दूसरे पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो कंज्यूमर्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्केट में सभी फर्म्स के बीच में, ठीक है। तो इसकी दो कंडीशंस हैं, वो ज़रूर आप ध्यान से देख लें कि मार्केट इक्विलिब्रियम की पहले भी हमने जो है दूसरे मार्केट्स किए थे तब भी कुछ कंडीशंस की थी। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो है कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए, और जो परसीव्ड डिमांड कर्व है और प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है, हमने परसीव्ड और प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व को भी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि परसीव्ड डिमांड कर्व वो डिमांड कर्व है जो एक फर्म सोचती है कि इस डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग मेरी डिमांड और प्राइस में रिलेशन है, ठीक है। और प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व वो है जहाँ पर बाकी की फर्मों का भी इंटरवेंशन आ जाता है। बाकी हम यहाँ और ध्यान से समझ लेते हैं, समझ आ जाएगा यहीं से। तो ये है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, और ये पहला एक डायग्राम है जो मैं मेरी जानकारी में जो कि कंटिन्यूड चलेगा, यहाँ शुरू होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा। मैं इसको थोड़ा स्लो करवाऊँगी, आप चाहें आपको समझ आ रहा हो तो आप इसको स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारा परसीव्ड डिमांड कर्व है, लिखना भूल गई मैं, ये परसीव्ड डिमांड कर्व है। परसीव डिमांड कर्व का मतलब है कि एक इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड कर्व है जो कि ये मानता है कि मार्केट में यदि मैं प्राइस को चेंज करती हूँ, जैसे मैं करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर यदि मैं P0 से OP0 प्राइस है, OP0 से OP1 पर प्राइस करती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी डिमांड में इतना इजाफा या इतना इंक्रीज हो जाना चाहिए, यानी इतना इंक्रीज, ठीक है। तो यदि इतना इंक्रीज हो जाए तो ये मेरा परसीव डिमांड कर्व मुझे ये बता रहा है कि मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है यदि मैं प्राइस में कमी करती हूँ तो, ठीक है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, व्हाट हैपन्स मार्केट में जब आप जाते हो तो क्या होता है कि आपको ये मिलता है। ये उसी तरीके से है जैसे हम घर से किसी कंपटीशन की तैयारी करके चले, हमें लगे कि स्पीच कंपटीशन है, मैं तो बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, वहाँ जाके पता चलता है कि और भी बहुत अच्छे बोलने वाले हैं। तो वैसे ही है कि हमने सोचा कि हमने अकेलों ने प्राइस कम की है लेकिन मार्केट में बाकी लोगों ने भी प्राइस को कम कर दिया, एंड दे मे बी एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग कि भी हमारी भी इतनी इतनी डिमांड बढ़ जाएगी। पर क्या होगा, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कंज्यूमर तो बढ़ेंगे, जब आप सेल लगा रहे हो तो मार्केट में कस्टमर तो और आएगा लेकिन वो सभी शॉप्स में उसी तरीके से पहले की तरह बढ़ जाएगा, है ना। सबको मान लो 100 कस्टमर आया, 20 मार्केट में फर्म्स हैं तो वो चार चार पांच पांच सबको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना इंक्रीज नहीं होगा, कितना इंक्रीज होगा एक्चुअल में, वो इंक्रीज इतना होगा, कितना, इतना, ठीक है। तो एक्चुअल में हम X2 की जगह X- पे पहुंच पाए, ठीक है। पर जो चैम्बरलिन है उसका जो किसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर है या सेलर है, वो जो है वो एक नेव बिहेवियर को शो करता है। नेव का मतलब होता है कि बड़ा भोला है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको लगता है अच्छा इस बार गड़बड़ हो गई, मुझे वो नहीं मिला जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो मैं अपना रीऑर्गेनाइज करता हूँ, मैं अपनी कंडीशंस फिर से चेक करता हूँ और मेरी मेरा जो डिमांड कर्व है एक्चुअल में वो शिफ्ट कर लेता है अपने इस डिमांड कर्व को, जो D1 है उसको शिफ्ट करके कहाँ ले आता है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेता है। ये देखिए ये D2 पे आ गया। अब उसको लगता है कि देखो यदि मैंने प्राइस इतनी कम की तो मेरा इतना सा ही बढ़ा, लेकिन यदि मैं कहीं इतना कम कर लूँ, कितना, इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक,
यदि मैं इतनी प्राइस और कम कर लूँ तो जो है मैं इस डिमांड को, जो उसका टारगेट है X2 तक अपनी सेल को पहुंचाना, तो मैं उस सेल को प्राप्त कर सकता हूं, ठीक है, मुझे ये वाला टारगेटेड अमाउंट मिल जाएगा। तो फिर वो उसी तरीके से बिहेव करता है एक्चुअल में। फिर मार्केट में क्या होता है, फिर मार्केट में वो यहीं पहुंच जाता है। देखते हैं आप, एक्स डैश डैश कह लीजिए आप इसको, पॉइंट को। तो ये चलता रहता है, चलता रहता है। कब तक, मतलब वो प्राइस कंपटीशन में पड़ जाता है और प्राइस कम करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। कब तक करता रहेगा? जब तक कि मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती जबकि उसका डिमांड कर्व और उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, जो परसीव्ड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, जहाँ पर मिलते हैं, यानी यहाँ ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम। मोनोपोलिस्ट वाला ही डायग्राम है, सेम आप उसी तरीके से डायग्राम इंसर्ट कर लीजिए, साथ साथ में आप डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। देखिए, दो कंडीशन है, एक क्या है कि MC और MR बराबर हो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसी पॉइंट पे आपका DD कर्व, यानी कि DD कर्व जो है आपका, यानी कैपिटल DD प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व, है ना, प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व, ये भी आपका उसी पॉइंट पे, ये ई पॉइंट हो गया आपका, इस पॉइंट पे ही आपका इक्विलिब्रियम होगा अल्टीमेट, जहां स्टेबल। ये इक्विलिब्रियम क्या था, अनस्टेबल था, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो कंडीशंस हमने बताई थी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व और MR कर्व दोनों बराबर हैं, तो वो यहाँ पर बराबर हैं, DD और DD यहाँ बराबर हैं, तो यहाँ पर उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और शॉर्ट रन में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसको जो है प्रॉफिट भी मिल सकता है, लॉस भी मिल सकता है, और नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपना LS, जो आपका अपना जो मार्जिन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसको कहाँ बनाते हो। यदि एवरेज कॉस्ट कर्व आपका यहाँ है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व यदि यहाँ है, यानी इस पसिव डिमांड कर्व से नीचे है, तो नेचुरल है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट मिल रहा है। यदि LS आपका AC कर्व यहाँ कहीं आ गया तो उसको क्या मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट, और इससे ऊपर चला गया तो क्या मिलेगा? लॉस। अब होपफुली ये आपको वीडियो समझ आई होगी, और इन केस ना समझ में आए तो आप पीछे वाली वीडियोस को एक बार देख लेंगे तो वहाँ पर इसका रूट मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम ग्रुप इक्विलिब्रियम की बाकी की लॉन्ग रन ग्रुप इक्विलिब्रियम करेंगे, तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।